सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या मसले को लेकर 14 मार्च की तारीख सुनाई गई है। ऐसे में हमारे साथ बाबरी मस्जिद के मुद्दे हाजी महबूब जी हैं। जिस तरह से डेट बढ़ती जा रही है, क्या कहना है आपको, कैसे फैसला हो पाएगा इतनी जल्दी? भाई, फैसला तो अदालत के ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। और सर, सबसे बड़ी अदालत है और हम उस पर कोई कटिसाए उसकी करें या टिप्पणी करें तो मेरे जहन से बाहर है। अब सवाल यह है कि कुछ अभी अदालत ने ये कहा है कि 2 हफ्ते का टाइम इसलिए दिया है कि कुछ पेपर्स लोगों कंप्लीट नहीं है, अगर वो कंप्लीट हो जाएगी तब कोई बात होगी। अब ये होने दीजिए, उसके बाद जो बात तो आएगी सामने तो आपके सामने आए, मेरे सामने भी आएगी। अब मैं तो चाहता हूँ जल्द से फैसला हो तो बेहतर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और स्पष्ट कर दी है, उन्होंने कहा है कि ये जो है भावनात्मक मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक भूमि का विवाद है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। देखिए, आस्था पर कोई मुकदमा थोड़ी दर्ज होता है, और आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। जो फैसला अदालत देगी हमें मंजूर है, और नियुक्त जो थे पार्टीज है वो नहीं, उन्होंने उनको अटैच किया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बस फैसला, इसलिए मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा जल्द से जल्द का फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि जिस तरह से राजनीतिक दल के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं अयोध्या मसले में, तो ऐसी इन तरह लोगों से सुनवाई नहीं की जाएगी, मुख्य पक्षकार जो है उन्हीं लोगों से सुनवाई की जाएगी, क्या कहेंगे आप? इसमें कहने की क्या बात, बहुत अच्छी बात है। बाहर के लोग नहीं आएंगे, जो पार्टीज हैं उनसे, उनके पेपर्स सब कंप्लीट है, सब अदालत में मौजूद है, उसी पर उनके, ये तो है नहीं कोई मुख्य पार्टी है वो जाके वो अदालत में पेश होगा, उससे बयान लिए जाएंगे, जो बयानात हो चुके हैं उसको नज़र में रखते हुए उस पर फैसला हो जाएगा, बेहतर है। तो जिस तरह से श्री श्री रविशंकर दास, वसीम रिजवी, आजम खान ऐसे लोग बीच में आ रहे हैं, तो क्या इनको लेकर इशारा था सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, ना आजम साहब के कोई नाम जानता था, उनको शो करना था तो इसलिए मीडिया के सामने आए। और रिजवी तो एक तरीके से उनको मैं क्या कहूँ, वो उनके अक्ल भी नहीं है। वो इससे पहले मैंने यही सुना है कि वो उनके ऊपर कितने चार्जेस हैं केस, इसलिए ये जनसंघ में या समझ लीजिए हिंदू परिषद का गुनगा रहे हैं। हम उसके उनके बारे में नहीं, उनको तो अपने समाज में उनकी इज्जत नहीं, तो मैं उनके लिए क्या कहूँ, वो तो बेवकूफ़ आदमी है। रहा सवाल रविशंकर जी का, मैं जहाँ तक जानना हो या मेरे पास मिलने आए, सब कुछ है, वो एक सुलझे हुए इंसान है। अगर और उनकी पकड़ भी है बाहरी कंट्रियों में, यहाँ भी है, अगर उन्होंने ये सोचा कि मसला हल हो जाए तो मैं उनकी तारीफ़ करूँगा कि अगर उन्होंने ये सोचा तो बेहतर है। और लोगों से बड़े हाई कमान से उनके लेन आना जाना है, तो उनको अगर अच्छी बात बताएंगे और ये हो जाए तो बेहतर है। तो जिस तरह से बीच में सुलह समझाते कि बात को लेकर अक्सर यहाँ पर अयोध्या में लोग आते रहते हैं, यहाँ हलचल गर्म होती रहती है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, हम तो आपसे भी, मीडिया वालों से भी 10 बार भी कह चुके, जो पार्टीज वो बिठा दिया जाए, और इसमें हाई कमान अगर इंटरफेयर करती है तो ये मसला कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, हल हो सकता है। तो 14 मार्च की डेट पड़ गई है, कितनी जल्दी समझते हैं इसको सुलझ जाना चाहिए इस मसले को? नहीं, अब ये तो नहीं, अब 14 मार्च पड़ी है, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ही कह सकती है कि मैं वो क्या करना चाहती है। भाई, अदालिया के सामने हमने कुछ नहीं कह सकता, अदालिया जो कहेगी वो बेहतर है। तो जिस तरह से विनय कटियार और ये लोग बयान देते हैं कि यहाँ जो मंदिर में उदा नहीं चाहते वो पाकिस्तान चले जाएं, फिर इन पर क्या कहना है आपका? वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है कटियार का, अब अक्कल नहीं रहेगी। बाहर से आके यहाँ पना मिला, उनको एक जगह मिली, वो मकान बना के रह रहे हैं, आज वो राज्यसभा के मेंबर हैं। वो कहते हैं अब उनके लिए मैं क्या कहूँ, उनके दिमाग से मैं नहीं, वो पागल टाइप की बात करने लगे। मुसलमान कहाँ जाएगा अयोध्या छोड़ के, या हिंदुस्तान? हिंदुस्तान उनकी बहुत ही नहीं, सबका है, इसलिए इस बात पर वो कर जो कर रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में राम मंदिर मुद्दा क्या फिर से उछलेगा? भाई, अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, पब्लिक तो जान रही है कि ये हुकूमत ने क्या किया, गरीबी मिटाओ, ये करो वो करो, लेकिन वो इस पर कोई कामयाबी उनको नहीं हुई, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा उनके सामने है, क्योंकि
दुनिया आस्था पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए उसका फ़ायदा लेने के लिए ये मुद्दा ज़रूर उठाएंगे। तो बस एक आखिरी सवाल आपसे, क्या अब आपका फार्मूला होगा समझौता के लेकर, आप कोई बात करेंगे या किस तरह से निर्णय निकलेगा? देखिए, हमें तो हज़ार बार कह चुका, दो अदालत फैसला करें, हमें मंजूर है। अब समझौता अगर कोई काजिश करता तो बैठेगा, तो हमें कोई इतराज़ नहीं, मैं बैठूँगा। अगर वो मेरी बात सुने, जो हाई कमान के लोग इसमें उनको इन्वॉल्व किया जाए, वो मेरी बात सुने और अलग पक्ष की बात करें, जो अच्छा लगे तो बात करेंगे, तो मैं भी तैयार हूँ। बिल्कुल, यहाँ हाजी महबूब जी का कहना है कि अगर उस की बात होती है तो अलग बात करेंगे, और अगर अदालत फैसला जो देगी वो ये मानेंगे। अभिषेक सावंत, पंजाब केसरी टीवी, अयोध्या।